जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय का सबसे बड़ा बदलाव, प्रकृति ने लिया यू टर्न और समय का तांडव। आज इंसान अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट के तहत अनुभव कर रहा है। जी हाँ, कब किस मोड़ पर मौत से मुलाकात हो जाए, आज का इंसान इसे समझ नहीं पा रहा है और इसलिए उसे हर पल एक डर लगा रहता है। एक भय के साय में आज का इंसान जी रहा है। दो बातों को आज मैं सबसे पहले अपने वीडियो में बतलाऊंगी, फिर आगे की बातें। दरअसल आज संडे के दिन यानी 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 पर जम्मू कश्मीर में डर का माहौल, लोग घरों से बाहर भागे एवं आसाम में वही हालात, और ठीक इसके एक दिन पहले मुंबई माया नगरी, बॉलीवुड के लिए फेमस जाने वाली बहुत ही फेमस मुंबई में डर का माहौल लोगों ने उस समय महसूस किया जब सरेआम गोली चला दी गई और दो गोलियों के लगने के कारण बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। और ऐसी गोलियां लगी कि एक सीने में और एक पेट में, और ऐसी गोलियां लगी और उसके पश्चात जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि दो नहीं बल्कि 3 गोलियों का इन्हें निशाना बनाया गया है। शुरुआत में लगा 2 गोली, लेकिन बाद में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ खुलासा हुआ कि 3 राउंड फायरिंग की गई है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। वो कद्दावर नेता जो अब उन्होंने अजित पवार यानी एनसीपी के नेता जो अब सिंधे गुट में हैं, उनके उन्होंने ज्वाइन किया था, पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन बांद्रा इलाका मुंबई का बहुत बड़ा उनका रुतबा ऐसा कि हर कोई उन्हें जानता था, समझता था। बॉलीवुड में भी सलमान खान शाहरुख खान की बहुत अधिक उनके साथ बॉन्डिंग थी, क्लोज बॉन्डिंग थी। अचानक से ये कैसा हुआ, क्योंकि वो गए थे बेटे के ऑफिस में, अचानक से निकले और गोलियों से भून दिए गए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के अटैक, अब जो क्लिनसिंग प्रोसेस चल रही है, ये मैंने कहा था टॉप टू बॉटम, गरीबों बहुत गरीब मारे जा चुके, बहुत मजबूर जो लोग हैं बहुत मारे जा चुके प्राकृतिक आपदाओं में। और लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि गरीबों के ऊपर ही अत्याचार क्यों, ईमानदारों के ऊपर ही अत्याचार क्यों, और जो बेईमान हैं जो अमीर हैं उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं होता है। अब ये जो समय है, मैंने कहा था क्लिनसिंग प्रोसेस के तहत टॉप से लेकर बॉटम में ये क्लिनसिंग प्रोसेस चलेगी। और ये देखिए, जो टॉप के कद्दावर नेता एनसीपी के बाबा सिद्दीकी, अचानक से क्या उन्हें पता था, वो तो बेटे के ऑफिस से बाहर निकले थे, क्या उन्हें पता था कि सेकंड के अंदर उनकी मौत होगी? क्या उस दिन उन्हें पता था जिस दिन दशहरे का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, रावण दहन हो रहा था और उसी समय पटाखों के बीच अचानक गोलियां चली, पता नहीं चला कि अचानक ये कैसे हो गया? तो ये तो डिटेल नहीं बताऊंगी, बस इतना मैंने बता दिया। और साथ ही मैंने बताया कि भूकंप झटके, दो दो झटके, हालांकि रिक्टर स्केल आसाम में जो था वो 4.2 और जम्मू कश्मीर में 4 रिक्टर स्केल का भूकंप, लेकिन धरती जो हिली, देश की धरती जब हिली तो लोग घर से बाहर डर के मारे भाग गए कि पता नहीं कब कौन सा घर गिर जाए और कौन मौत के आगोश में चला जाए। आने वाले समय में इसलिए मैंने कहा बहुत खतरनाक समय का तांडव लोग अपने जीवन में न सिर्फ महसूस करेंगे बल्कि अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मौत का तांडव नहीं, समय का तांडव। जी हाँ, क्योंकि समय अब यू टर्न ले रहा है, प्रकृति अब यू टर्न ले रही है और इस समय के खतरनाक मोड़ पर समय के तांडव से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, चाहे वो टॉप पे हो या बॉटम पे।
लेकिन कर्मों के हिसाब किताब में अब समय का यू टर्न, बहुत फास्ट मोड में धर्म और अधर्म की लड़ाई, देवासुर संग्राम एक निर्णायक मोड़ पर जाने लगा है, जिसमें लोग अपनी आँखों के सामने उस बदलाव को होता हुआ देखेंगे जो अकल्पनीय है, जिसके लिए दुनिया आज तैयार नहीं है। एक तरफ युद्ध की गंभीर भयानक परिस्थितियां, जिसमें लोगों को बंकर में जाकर शरण लेनी पड़ रही है, लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी, इतना साइक्लोन भयंकर, इतनी बारिश भयंकर कि लोगों के घरों की छतें उड़ जा रही हैं, लोगों के घर पानी के अंदर डूब जा रहे हैं, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। यानी समय ने अब जो निर्णायक निर्णय लेने का फैसला कर लिया है, उसमें अब वो पीछे कदम नहीं हटाने वाला, क्योंकि अधर्म का जो घड़ा है, पाप का जो घड़ा है, वो कलयुग में बेहद बड़ा है और उसे भरने के लिए अब काफ़ी समय बाकी नहीं है। इसलिए इस समय में जिन्होंने भी अपना हिसाब किताब सही तरीके से जीवन में नहीं रखा, उन्हें तो बैकफुट में जाना ही पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने सही तरीके से जीवन को जिया है वो सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, जिसे हर कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आने वाले समय में रखिए अपना ध्यान, कब गोलियाँ चल जाएं, कब कोई तलवार निकाल ले, कब प्राकृतिक आपदाओं का शिकार इंसान को होना पड़े, और कब पैंडेमिक आकर कोरोना से भी खतरनाक तरीके से प्रत्येक जीव को अपना निवाला बना ले, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट जो अभी चल रहा है, लोग बतला रहे हैं, प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ किसी को भी अगर पूछेंगे तो जो लोग बताते हैं उसमें ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, क्योंकि भगवान कल्कि का ये बहुत ही मिस्टीरियस मिशन चल रहा है युग परिवर्तन को लेकर, जिसमें कर्मों का हिसाब किताब बहुत अलग वे में, यूनिक पैटर्न के द्वारा हो रहा है, एवं शनि मंगल और बृहस्पति का बहुत अहम रोल प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जिसका अनुभव आज दुनिया वालों को भी हो रहा है। बिटर एक्सपीरियंस हो या गुड एक्सपीरियंस, लेकिन हो रहा है एक अलग खट्टा मीठा अनुभव। तो किसी के नसीब में गम, तो कहीं पर मनाई जा रही हैं खुशियां, लेकिन एक ही समय जो लेकर आ रहा है अलग अलग तरीके का खेल, उसे समझना आज के समय में नामुमकिन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।